हेलो फ्रेंड, प्रियंका कुक 5 पेज के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने से बनी हुई ऐसी रेसिपी जो कि शरीर दर्द हो या घुटनों का दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, बूढ़े बच्चे जवान किसी के भी मतलब दर्द हो, तो ये आप रेसिपी बना के घर पे आसानी तरीके से स्टोर करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मखाना ले लिया है। तो ये मखाना जो है ना, जहाँ से मैं लेती हूँ सबसे बेस्ट मखाना रहता है, और छोटी बड़ी साइज दोनों मिलती हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे मैंने मखाने को अब रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, आपको इसको घी में ही करना, और उसके बाद से घी उतना जलना नहीं चाहिए, हमें तुरंत मखाने को डाल देना है। और ये जो रेसिपी है ना, सबके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, और इसको 15 से 1 महीने तक आप खा के देखिए, वो भी लगातार डेली, और ये बहुत जल्दी फायदा करता है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। तो इसको हम क्या करेंगे, धीमी आंच में हम पकाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा आंच तेज रहेगी ना तो ये जल जाएगा, और धीमी आंच में हम इसको बिल्कुल चलाते रहेंगे अच्छे से और मिक्स करते रहेंगे, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, और जो हमारा है ना मखाने का, वो बन के बहुत ज्यादा अच्छे से बन भी जाएगा और टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, अगर आपके पास गुड़ ना हो ना तो आप जो डुबके वाला आता है गुड़, उसको भी तोड़ के डाल सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे सिर्फ खाने वाले चम्मच से मैंने 2 चम्मच यहाँ पे पानी डाल दिया था कि गुड़ जले ना। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है, जो कि ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। गुड़ है जो, गुड़ में जो है कैल्शियम पाया जाता है और मखाने में भी, तो ये सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। आप इसको चीनी में ना बनाइएगा, गुड़ में ही बनाइएगा, तभी ये बहुत जल्दी फायदा करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे ना, इसका जो गुड़ है, गुड़ का मतलब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे हम डालेंगे जो खाने वाला सोडा है ना उसको। ये आप बना के व्रत में भी खा सकते हैं, यहाँ पे नमक भी पड़ेगा, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला है, थोड़ा सा सिर्फ सोडा मैंने डाला है कि थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो देख सकते हैं कलर जो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है ना। आप अगर डेली वैसे खाना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा, उससे जो है ज्यादा मीठा नहीं लगेगा मखाना। तो यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि हमें व्रत में भी खाना है, तो इसकी वजह से मैंने नहीं डाला है, स्किप कर देना है। और मखाना जो हमने रोस्ट करके रखा था ना, उसको हम यहाँ पे डाल के और लगातार चलाते रहेंगे, ताकि जो गुड़ है वो मखाने को अच्छे से सोख ले और अच्छे से ये मतलब क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मखाना जो है, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लिए हैं, और अब मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर देना है, क्योंकि बंद नहीं करेंगे तो जो गुड़ है वो बिल्कुल जल जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल बढ़िया नहीं आएगा। तो हमें यहीं पे क्या करना है कि गैस को बंद करके और हमें कढ़ाई को नीचे हटा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये आप ना दूध के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है अलग बर्तन में निकाल लिया है, और देख सकते हैं बिल्कुल जो गुड़ है अच्छे से इस पे चिपक गया है, और आप इसको ना रोज डेली सुबह या शाम के टाइम एक टाइम आप 4 से 5 मखाने ले लीजिए, या तो दूध में डाल के पी लीजिए, या तो इसको खा के फिर दूध पीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट इसका मिलता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो डालूंगी आप पे नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।